और इसलिए बात करेंगे गढ़ा कोटा की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गढ़ा कोटा निवासी अध्यक्ष जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर अक्षय पटेल यूक्रेन में यहाँ पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गया हुआ था। यूक्रेन में यहाँ पर युद्ध होने के कारण वो वहां पर फंस गया है। और जब हमारी तरफ से यहाँ पर अच्छे से बात की गई तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर रोमानिया के रास्ते भारत लाए जाने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उनके माता पिता भी चिंतित हैं और साथ ही पूरा परिवार भी यहाँ पर चिंता का में है। और आपको बता दें कि जब पिता के द्वारा यहाँ पर पिता से बात की गई तो यहाँ पर पिता की तरफ से बताया गया कि 2018 से यहाँ पर हमारा बेटा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, साल में एक बार आता है, लेकिन युद्ध होने के कारण वो वहां पर फंस गया है और साथ ही हमारा सारा परिवार चिंतित है। प्रशासन से उन्होंने यहाँ पर गुहार लगाई कि यहाँ पर जल्द से जल्द अक्षय को यहाँ पर वापस गढ़ा कोटा उसके घर लाया जाए। इस मामले में यहाँ पर जब क्षेत्रीय विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अक्षय से यहाँ पर बात हुई थी और हम उसे वापस लाने की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा बालक अक्षय 2018 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था, तो प्रतिवर्ष आता है लेकिन अभी नहीं आया है और वहाँ युद्ध चालू है। और जो बालक ने गुहार लगाई थी, कलेक्टर साहब के पीए नेमा जी से बात हुई थी, जो उन्हें आश्वासन दिया बालक को कि जल्दी से ही वापस भारत ले आएंगे। अच्छा, यूक्रेन में ही तो आने क्या कर रहे हो वहाँ? एमबीबीएस कर रहे हो? अच्छा, हाँ, 400 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ यहाँ से बस वहीं पे जाने का तो रोमानिया में कोई व्यवस्था है घर आने की? हाँ, वहाँ पे बात हुई थी काउंसलर से, जी उन्होंने जी बोला था कि आप लोग वापस ले हो, और एक ही बार बात हुई थी, तो उन लोगों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, तो वो डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, फिर अभी फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो अभी कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम्हें? अभी यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेफ है यहाँ पर, बट आगे का पता नहीं कैसे क्या है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसएन पटेल गढ़ा कोटा से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएन, क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अक्षय जो है यूक्रेन में फंसा हुआ है, क्या कोई ताजा अपडेट है आपके पास? जी, अभी तो अपडेट यूं ही कहें कि अभी मंत्री गोपाल भार्गव से उस लड़के की बात हुई है और उन्होंने जानकारी दी है कि वो जहां भी है तो सुरक्षित है और उसको प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ भारत लाने के लिए। तो क्या आपकी अक्षय के परिवार से बातचीत हुई है? किस तरह की चिंता में है? किस तरह से उनकी सरकार और प्रशासन से मांग है? जी बिल्कुल, उनके पिताजी से बात हुई है और वो यहाँ रहली थाना में पदस्थ है आरक्षक के पद पर, तो उनसे बात हुई तो वो चिंतित तो नजर आ रहा है। हालांकि उनका कहना ये है कि अभी जहाँ हमारा बच्चा है निरंतर बात हो रही है और अभी ये बता रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन और उन्होंने एक बात और कही है कि बच्चे को कोई वहां से साधन नहीं मिल रहा है आने के लिए। क्या जी कुछ उनके परिवार ने ये बताया कि कोई खाने पीने की व्यवस्था की कोई परेशानी या फिर कुछ और अभी इस तरह की कोई परेशानी वहां पर अक्षय के सामने है? हाँ बिल्कुल है सर जी, खाने पीने की व्यवस्था एकदम बिल्कुल कोई है ही नहीं वहाँ पर, और एक बंकर में रह रहे हैं, स्कूल है तो उसमें रह रहे हैं, और यहाँ अपने भारत के वो 18 लोग हैं तो उसी में यह लड़का भी शामिल है। चलिए, शुक्रिया एसएन पटेल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार भारत सरकार जो है कदम उठा रही है और कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी भारतीय छात्रों को वापस लाया जाए, और एयर इंडिया की फ्लाइट भी वहां पर पहुंची और एक फ्लाइट वापस आई है, यहाँ पर कुछ छात्रों को लेकर लगातार कोशिश भारत सरकार कर रही है।